न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने आज रालौद के जिला कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो जयंत चौधरी का केक काटकर 45वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी की दीर्घायु की कामना की। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष राव केसर सलीम और प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह ने कहा कि चौधरी साहब का जन्मदिन युवाओं को समर्पित है। उन्हीं के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में युवा रालौद ने पुलिस भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट के लिए प्रदर्शन किया, जिसे सरकार ने मान लिया। जिलाध्यक्ष राव केसर सलीम ने प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव आयुब हसन, महानगर अध्यक्ष भूषण चौहान, आसिफ पार्षद गजेंद्र चौधरी, भूरा मलिक, फारूक असलाम, अतुल फंदीपुरी, वीरेंद्र तोमर, शौकी राणा, शमी अहमद, विशाल कंबोज, संजय कंबोज, रमेश चौहान, तमाम लोग मौजूद नजर आए। आपका नाम और पार्टी के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि तमाम साथी यहाँ मिलकर माननीय जयंत चौधरी जी का 45वां जन्मदिन मना रहे हैं और चौधरी चरण सिंह का जन्म सप्ताह भी चल रहा है, उसके लिए गांव गांव जाकर स्वच्छता अभियान चल रहा है। उसी के बीच बड़े हर्ष की बात है कि हमारे युवा साथी, हमारे युवा नेता के लिए 45वां आज हमारी वर्षगांठ आई है, जो धूमधाम से मना रहे हैं। और हम जन्मदिन पर उनको एक और बधाई देना चाहते हैं कि कल उन्होंने जिस प्रकार प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया था युवाओं के लिए कि 3 साल आयु सीमा बढ़ा दी जाए, हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता को। उनके लिए इससे बड़ा कोई जन्मदिन का त्यौहार हो नहीं सकता कि युवाओं के लिए 3 साल का समय आयु सीमा। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गौवंश या गौशालाओं के लिए कितने भी बजट पास कर दें, लेकिन मजाल है कि ग्राम प्रधान सचिव और तमाम संबंधित अधिकारी इस बजट को गौशालाओं पर खर्च कर दें। ग्राम प्रधान सचिव, BDO सब एक सिंडिकेट बनाकर बैठे हैं और बस खाए जा रहे हैं। कागजों पर गौशालाओं में पर्याप्त व्यवस्थाएं दिखती हैं। भूसा पर्याप्त है, पानी पर्याप्त है, देखभाल करने वाले पर्याप्त है, कागजों में ऐसा ही सब कुछ लिखा मिला है। आप अधिकारी से पूछेंगे कि फलाने गांव में गौशाला की बस से बदतर स्थिति है, जवाब में वो यही कहेंगे कि जांच करवाते हैं, जांच होने के बाद प्रधान को बुलाया जाता है, कार्रवाई के नाम पर बस बंदरबांट किया जाता है। सभी अधिकारी ऐसे नहीं है, लेकिन सभी अधिकारी वैसे भी नहीं है। एक ताजा मामला बताते हैं, बांगर ब्लॉक के सभागार में सभी प्रधानों और सचिवों को बुलाकर बंगरा BDO की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाती है। वहां वही सब बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। BDO द्वारा दिए गए सुझाव और दिशा निर्देशों को एक वीडियो छलावा साबित कर देती है। सूत्रों की माने तो वीडियो ग्राम चढ़ाऊ धवारी की गौशाला का है, जहां गाय का बछड़ा ऐसी स्थिति में पड़ा दिख रहा है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी इनकी स्थिति जो है वो बद से बदतर हो रही है। गौशालाओं में जो गौवंश है वो दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे ग्राम प्रधानों पर, सचिवों पर कब कार्रवाई होगी? आज विकास खंड बंगरा कार्यालय सभागार में विकास खंड के ग्राम प्रधान और सचिव साहिबान की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मुख्य रूप से गौवंश संरक्षण के संबंध में जो विकास खंड स्तरीय अनुश्रवण मूल्यांकन समीक्षा समिति होती है उसकी बैठक की गई है। और ठंड के मौसम में गौवंश को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 2-3 और महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो इस समय चल रहे हैं। एक कार्यक्रम है जो 25 से 30 दिसंबर तक चलना है। प्रभारी और MLC अवनीश सिंह पटेल और भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद मौर्य का भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय अवस्थी, जैदपुर नगर पंचायत प्रत्याशी अबू उमेर अंसारी, प्रमोद शर्मा, DM वर्मा सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में SP के निर्देशन और ASP पूर्वी और CO सिटी के निकट पर्यवेक्षण में शहर कोतवाली पुलिस और SOG स्वाचर सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने 52 रोड पर नाकाबंदी कर बोलेरो सवार 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1 किलो 16 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 लाख रुपये बताई जा रही है। वहीं अफीम तस्करी में लिप्त बोलेरो भी बरामद कर ली गई है। ASP नितिन कुमार ने बताया कि SP केशवचंद गोस्वामी के निर्देशन में अभियान चल रहा है, जिसके तहत पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी और जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। जनपद हरदोई में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश क्रम में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में कोतवाली शहर स्वाट MSOG को यह सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा बावन की तरफ से एक गाड़ी में कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ लेके जा रहे हैं। उसके बाद उसकी घेराबंदी की गई, सवार को पकड़ा गया। उसमें 2 व्यक्ति मिले जिनके पास से 1 किलो लगभग 16 ग्राम
अवैध अफीम बरामद हुई जिसकी बाजार मूल्य लगभग 12 लाख रुपए है। इसमें से एक अभियुक्त का नाम सुनील, दूसरे का नाम तेजराम है। इनके विरुद्ध आपराधिक मामले अन्य जगह भी दर्ज हैं। रहने वाले पाली के हैं, इनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर जिले के अमौली विकासखंड के गंगौली ग्राम में ग्राम प्रधान, पंचायत मित्र और सचिव ने जमकर भ्रष्टाचार किया, जिसकी शिकायत को लेकर पीड़ित ने मुख्य विकास अधिकारी सहित मुख्यमंत्री के दरबार पर जाकर लिखित शिकायत देने के बाद मामले पर अधिकारियों ने जांच तो की, लेकिन जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई। खानापूर्ति से परेशान होकर पीड़ित ने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी की चौखट पर की है, लेकिन कार्रवाई पर अमल न होने पर पीड़ित ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठने की चेतावनी दे दी है। गौली गांव के विकास कार्यों, तालाब खुदाई, रोड नाली सही सुंदरीकरण के लिए आए करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले पर डीएम इंदुमती ने बताया कि मामले पर कार्रवाई होगी, जिसके लिए टीम भी बनाई जाएगी। बिजनौर में पूरा मामला चांदपुर तहसील प्रांगण का है, जहां पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह और बिट्टू के नेतृत्व में तहसील परिसर में इकट्ठा हुए और एक ज्ञापन एसडीएम चांदपुर मनोज कुमार को सौंपा। आपको बता दें कि दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि खादर क्षेत्र का जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने एसडीएम चांदपुर मनोज कुमार से बाढ़ क्षेत्र का मुआवजा जल्द से जल्द दिलाने की मांग की है। उनकी समस्याओं का समाधान न होने पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की बात कही है। साथ ही ज्ञापन में चांदपुर नूरपुर रोड पर लोहा फैक्ट्री हेमपुर बिराल के बीच नगर पालिका द्वारा कूड़ा डाला जा रहा है, अतिशीघ्र कूड़े को हटाए जाने की मांग की। इस मौके पर देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू, सुभाष बिजपाल सिंह, सूरज कश्यप, अशोक कुमार, सुरेंद्र सिंह मुस्तकिम मौजूद रहे। मामला यो है, अब एक तो खादर क्षेत्र का जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, उसका मुआवजा नहीं मिला। बहुत लगभग मेरा में 4-5 महीने हो गए। जनता इतनी परेशान है, उनके बच्चे परेशान है, स्कूल की फीस की तरफ से बहुत परेशान, कृषि कार्ड की तरफ से बहुत परेशान। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो जनता को जो बाढ़ का मुआवजा मिल जाना चाहिए, और दूसरी बात एक ही हिस्से चांदपुर नूरपुर मार्ग पर कूड़ी पड़ी है बिराल और हेमपुर के बीच में, जो नगर पालिका डालती है अढ़ाया कूड़ा करकट जो शहर का ले जाकर। भाई शहर का कूड़ा करकट नगर पालिका जहाँ डाल ले उसे अपने एक स्थायी जगह ले लेवे और वहाँ डाल लेवे। महाराजगंज में निर्माणधीन मकान की छत गिरने से कई घायल हो गए, जिससे चीख-पुकार मच गई। नवनिर्मित छत के गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों मलबे के नीचे दब गए। पुलिस ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू में जुटी हुई है। मलबे दबे लोगों का रेस्क्यू जारी है। जेसीबी मशीन से मलबे को हटाने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा था। घटनास्थल पर पुलिस के साथ एम्बुलेंस भी मौजूद नजर आई। नवनिर्मित मकान की छत बनाते हुए यह हादसा हुआ है। कोलुई थाना क्षेत्र के ग्राम रुद्रपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से मां गंगा का पूजन किया। माघ मेले में कराए जा रहे कार्यों का सीएम योगी ने निरीक्षण किया। महाकुंभ 2025 के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। प्रयागराज के तीर्थ पुरोहितों द्वारा कराया गया मां गंगा का पूजन। तीर्थ पुरोहितों ने संगम तट पर प्रयागराज की भव्य प्रतिमा लगाने की सीएम योगी से अपील की है। भव्य प्रतिमा लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप में हमारे तीर्थ पुरोहित समाज ने एक मांग रखा कि जब प्रयागराज नाम पड़ गया है तो एक प्रयागराज का विशाल मूर्ति की स्थापना हो। समय आने पर उसका भी आश्वासन माननीय जी के द्वारा प्राप्त हुआ है कि समय आने पर उसको भी कराया जाएगा, ऐसा कहा गया है। दीपू मिश्रा, तीर्थ पुरोहित, प्रयागराज। गोंडा में सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने दयानिधि मारन के मजदूरों पर दिए बयान की निंदा की है। ये दयानिधि की घटिया सोच, जो सोच अंग्रेजों और मुगलों की थी वही इनकी है। सांसद ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया और बयानबाजी की, कहा कि 40 करोड़ लोगों के मानसिक संतुलन की गारंटी कैसे ली जाए। इशारों में स्वामी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। शशि थरूर के मोदी के सामने चुनाव लड़ने के बयान पर सांसद ने कहा कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़े, क्या करना है, रेल लाइन पर ट्रेन से लड़ा जाए, कीर्तिवर्धन ही कहते हुए नजर आए। पहलवानों के मुद्दे पर सांसद बोले कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, जांच के बाद होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। सांसद ने शफीकुर रहमान बर्क पर भी जो टिप्पणी की गई थी उनके द्वारा कि राम मंदिर पर अगर बुलावा भी आता है इस प्राण प्रतिष्ठा के दिन तो हम नहीं जाएंगे, तो इस पर उन्होंने अवहेलना की और कहा कि राम मंदिर निर्माण देश की वाजिब मांग थी, उनका
मातम मनाना कोर्ट की अवहेलना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सदर विधानसभा के जमदरा गांव में यहां पर जोरदार स्वागत किया गया है और हम गोंडा को आगे ऐसे ही विकसित करते रहेंगे। संभल जिले के चंदौसी कोतवाली इलाके में निजी वेयर हाउस में 10 दिन पहले हुई 7 लाख रुपए की खाद की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 लाख की नकदी के अलावा करीब 1.5 लाख की खाद, तमंचे, चाकू और कैंटर के साथ 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जबकि इनके 2 अन्य साथी पुलिस की पकड़ से दूर बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये 16/17 की रात को थाना चंदौसी के पास कोकावास पे एक वेयर हाउस में से लगभग 500 के आसपास खाद के कट्टे के चोरी के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस संबंध में पुलिस लगातार इसमें कार्य कर रही थी, इसमें सर्विलांस की तथा थाने की टीम लगाई गई थी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।